26 जनवरी परेड में शामिल हो सकती है महिला स्वाट कमांडो, अंधेरे में भी दुश्मनों को करती है ढेर। दिल्ली देश का पहला राज्य है जिसके पास महिला स्वाट कमांडो दस्ता है। अगस्त 2018 में देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस यूनिट को दिल्ली पुलिस में शामिल किया था। इस टीम में 36 महिला कमांडो हैं और सभी पूर्वोत्तर राज्यों की हैं। सबसे ज्यादा यानी 13 महिला कमांडो असम से हैं, 5-5 अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मणिपुर से हैं। महिला स्वाट कमांडो पलक झपकते ही आतंकियों को मार्च गिराने में सक्षम है। ड्रिल के दौरान उन्होंने अपनी चुस्ती, फुर्ती और क्षमता का प्रदर्शन किया था, जिसे देखकर सब हैरान रह गए थे। इस साल गणतंत्र दिवस पर राजधानी की सुरक्षा 48 पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियों और 35,000 दिल्ली पुलिस के जवानों के हाथ होगी। कंपनियां अगले 4 दिनों में दिल्ली पहुंच जाएंगी। पहली बार परेड का रूट भी डाइवर्ट हुआ है। संभावना है कि देश की पहली महिला स्वाट कमांडो परेड में नजर आए। स्वदेशी और विदेशी तोप के 9 वज्र और M777 होविजर तो भी परेड में नजर आएंगी। ऐसा पहली बार होगा जब परेड इंडिया गेट अमर जवान ज्योति से होते हुए नहीं निकलेगी। पुलिस अफसरों ने बताया कि रूट में फेरबदल की वजह है, इंडिया गेट पर नेशनल वॉर मेमोरियल का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वहीं NSG से ट्रेन देश की पहली महिला स्वाट कमांडो परेड में नजर आ सकती है। इसका फाइनल फैसला 16 जनवरी को स्पेशल सेल की मीटिंग में होना है।